हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14। तीनों फोन को कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कौन सा बेटर है, कौन सा आपके लिए बेस्ट पिक है, कौन सा सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट की काफ़ी बड़ी सेल होती है, जिसमें आईफोन के जो प्राइजेस होते हैं वो कई बार आपको साल भर वो प्राइस नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको अगले साल तक वो सेम प्राइस ना मिले उस आईफोन का, जो आपको बिग बिलियन डेज और अमेजोन का जो ग्रैंड फेस्टिवल वाली सेल जो आ रही है उसमें जो आपको मिलेगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होते हैं इंडिया में, क्योंकि उनका प्राइस भी ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि आईफोन 14 आ चुका है अब, और आईफोन 14 आ चुका है तो आईफोन 12 और 13 का डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप होने वाला है। और सुनने में आया है कि आईफोन 12 का प्राइस 40 से 45,000 तक मिल सकता है, आईफोन 13 का प्राइस 50 से 55,000 के बीच मिल सकता है, और आईफोन 14 का प्राइस तो आप जानते ही हैं। तो अब मैं इनमें डिफरेंस अगर मैं बताऊँ कि इन तीनों फ़ोन में डिफरेंस क्या है और आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा फ़ोन प्रोवाइड करेगा, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मैक्सिमम चीज़ें इन सब फ़ोनों में सेम है। आईफोन 12 की मैं कहूंगा बैटरी एक इशू है कि आईफोन 12 की बैटरी उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी 13 और 14 की है। तो अगर आप काफ़ी हैवी यूज़ करते हैं फ़ोन का, और क्योंकि अपडेट के साथ में आईफोन की बैटरी उतनी ज़्यादा अच्छी रहती नहीं है, तो क्योंकि और आईफोन 12 को आया हुए भी 2 साल हो चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप फ़ोन थोड़े ज़्यादा हैवी यूज़र हैं और आप हैवी यूज़ करते हैं तो आईफोन 12 को आप ना कंसिडर करें, थोड़ा सा बजट बढ़ा के 13 की तरफ जाएं तो बेटर रहेगा। बगैर अगर आपका यूजेज 2-3 घंटे का है, ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते, 2-3-4 घंटे यूज़ करते हैं, आप सिर्फ काम से काम रखते हैं कि आपने गेम नहीं खेलना है, आपने कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा हैवी स्पेक्स वाला काम नहीं करना, तो आईफोन 12 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 40-45,000 के हिसाब से बहुत अच्छा आप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग के हिसाब से वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बिल्कुल। अब बात आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं तीनों फ़ोनों में, और आईफोन 12, 13, 14 में जितनी भी चीज़ें मैक्सेफ तीनों में लगता है, वॉलेट, वायरलेस चार्जर्स तीनों सपोर्ट करते हैं, तीनों फ़ोन वाईफाई 5G है, तीनों की कैपेसिटी है। अगर आईफोन 12 आप लें तो 64 GB बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको 45,000 में भी अगर आईफोन 12 का 128 GB मिलता है तो वो ज़रूर लिए। 64 GB लेने का आईफोन का कोई मतलब नहीं है, आप रिग्रेट करेंगे। भले ही आप ज़्यादा डेटा रखते ना हो तो भी आप 64 GB मत लीजिए, क्योंकि उसका सिस्टम और उसका जो OS है वही काफ़ी GB ले लेगा। तो आपका फ़ोन को यूज़ करने का लॉन्ग टर्म, अगर आप क्योंकि आईफोन को ही लेते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करता है, तो 64 GB मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा। आप 128 GB ही आप एक बार कंसिडर करिएगा। और आईफोन 13, 14 में तो बेस मॉडल का ही प्राइस 128 GB है, तो उसमें कोई है नहीं, बट आईफोन 12 का कंसिडर करो तो 128 GB से ही कंसिडर करना, 64 GB कंसिडर मत करना। आती है बात डिफरेंस की, हाइट की, वेट की, सब कुछ सेम है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। डेप्थ वगैरह का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है। आईफोन 12 से 164 ग्राम का है, आईफोन 13 174 का है, आईफोन 14 172 का है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तीनों वाटर रेजिस्टेंस है, रेटेड IP68 रेटिंग वाले फ़ोन है। इसमें A14 बायोनिक चिप आती है आईफोन 12 में, और आईफोन 13 14 में ज़्यादा डिफरेंस मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 14 में जो चिप आती है बायोनिक चिप, वो A15 है, दोनों की चिप सेम है, दोनों की चिप के कोर जो है, जो CPU का कोर है वो भी सेम है, बस GPU का कोर में एक का डिफरेंस है, एक में 4 कोर का GPU आता है और आईफोन 14 में 5 कोर का GPU आता है, जो कि ज़्यादा डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो, अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो आपको डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं रहेगा। तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो आप अगर इन तीनों को कंसिडर करें तो आईफोन 13 सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगा। मैं इन तीनों को कंसिडर कर रहा हूं कि अगर वो आपको 50 से 55 हज़ार, अगर 50 से 55,000 तक आईफोन 13 मिलता है 128 GB जो उसका बेस वेरिएंट है, तो आप बिना सोचे समझे आप आईफोन 12 के 128 GB जो 45 समथिंग में मिल सकता है उसके जगह आप 5,000 ज़्यादा लगा के आप आईफोन 13 बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी रहेगा। 1 साल बाद में लॉन्च हुआ है, बायोनिक चिप लेटेस्ट है, जो कि आईफोन 14 में भी सेम बायोनिक चिप है। तो मैं ये कहूँगा कि आईफोन 13 आप बिल्कुल कंसिडर करें। अगर आपका बजट एक्सटेंड आप नहीं करना चाहते हैं तो आईफोन 12 भी 40-45,000 की रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आईफोन 14 मैं कहूँगा अभी के लिए इंडिया में अगर आप ले रहे हो तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस में कहूँगा, क्योंकि इंडिया के हिसाब से उसको USA की प्राइसिंग उसकी बहुत सही है, बट इंडिया के हिसाब से आईफोन 14 की प्राइसिंग मैं कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप आईफोन 13 को ही कंसिडर करें एक बार सेल में। उसके अलावा अभी अभी जिनको लेना है थोड़े दिन रुक जाइए, 23rd September डेट सुनी हुई है, मैंने कंफर्म नहीं है, कमिंग सून लिखा है फ्लिपकार्ट पे, बट काफ़ी जगह पे रूमर्स आई है कि उसकी डेट जो रहेंगी वो 23rd September से सेल स्टार्ट होने वाली है। एक दिन पहले जो स्पेशल कस्टमर्स रहते हैं, जिनको प्लस मेंबरशिप वाले जो रहते हैं फ्लिपकार्ट के, उनको वो एक्सेस मिल जाता है सेल का। तो अगर आपके पास एक्सेस नहीं हो और आपको एक दिन पहले, मैं यही कहूँगा कि जल्दी सेल आउट हो जाता है या जल्दी प्राइस बढ़ जाता है
तो अगर आपको लेना है, आपको कंफर्म है, तो सेल के पहले दिन ही ले लीजिए। अगर आपके प्लस मेंबरशिप नहीं है या प्राइम मेंबरशिप नहीं है अमेजोन की, आप वो मेंबरशिप किसी दोस्त के पास, तो उस दोस्त से ऑर्डर करवा लीजिए। बट मैं ये कहूँगा फर्स्ट डे पे ही ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे उसके 2-3 दिन बाद उसके प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं, और 2-3 हज़ार का आपको फालतू में लॉस हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। उतने में आपका चार्जर आ जाएगा, जो एप्पल प्रोवाइड नहीं करता है आजकल। उसके अलावा डिफरेंस की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आईफोन 13 की बैटरी अच्छी है, आईफोन 13 में बायोनिक चिप भी लेटेस्ट है, जो 13 14 में सेम है। तो मैं यही कहूँगा कि आईफोन 13 आप एक बार कंसिडर करिए, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं। तो नहीं बढ़ा सकते तो आईफोन 12 को भी आप सेल में बिल्कुल ले सकते हैं। मिनी की तरफ मैं कहूँगा कि 12 मिनी सेल में मिलेगा, बट ना जाइए, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है। अगर आपको बहुत छोटे फ़ोन अगर आपको पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लेने आपको लेने तो वो आप ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा छोटा फोन बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं, और एक तरह से वो फ्लॉप फ़ोन है इंडिया के हिसाब से। तो आप 12 मिनी ले लेके 13 या 12 को एक बार कंसिडर कर लीजिए। अगर आपका बजट 50-55-60 तक जाता है तो आप आईफोन 13 लीजिए। अगर आपका बजट आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते, 40,000-45,000 तक चाहिए है, तो आप आईफोन 12 ले लीजिए। 14 की तरफ मत जाइए, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं पर्सनली बताऊंगा कि आप आईफोन 13 रहेगा इस सेल में। आई गेस आपकी सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।